वेलकम बैक टू माय चैनल शरीनाज ब्लॉग। तो अभी बहुत टाइम हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर क्योंकि सुबह लेट उठे थे, तो इसीलिए अभी पूरा रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और हस्बैंड भी पूरा रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अभी मंदिर चलते हैं और मंदिर पर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा दिया रेडी है, हस्बैंड लेके सब गए हैं, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो चलिए तो हम लोग मंदिर से आ गए। अभी यहाँ पे सुना ही नहीं देखा जो मैं बोल रही हूँ। मास्क पहन के मंदिर चलो। तो ये मंदिर है, इधर हम गए थे। तो अभी खड़े हैं भैया, भाभी का इंतजार कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पास में एक छोटा सा गार्डन था, मतलब वो पौधे बेचते हैं, तो वहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रोज़ जाते हैं और पौधे वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाने का जगह नहीं है, तो इसलिए मैं तुलसी के पौधे ही लाती हूँ हमेशा। तो मैं तुलसी के पौधे लाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ये। और जो धूप आती है और यहाँ पे जो चमक देख रहे हो ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा एंजॉय कर लो। चुके हैं और पति देव पता नहीं क्या काम में लगे हैं। अभी हमारा बन रहा है सूजी का हलवा हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं खाती हूँ, तो हस्बैंड ही खाएंगे। तो ये हमारा हलवा पूरा रेडी है, प्लेन हलवा है, जैसे बच्चे खाते हैं वैसे ही। तो ऐसा ही है, हमारा एक बच्चा है इधर, ये खाएंगे। तो थोड़ा ठंडा होने दो, बाद में खाएंगे। हम अभी निकल रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ और हम भी चलते हैं। मैं लक्ष्मण और मेरे पति चल रहे हैं, तो चलो दिखाती। Thank you.
तो ये जो मंदिर का जो टूर है वो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आज शिवरात्रि का पूजा था तो बहुत सुंदर लग रहा था, हम जाके घूम के आए। तो फिर से कभी आएंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो एंजॉय आवर वीडियो। हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे, चलो। तो मंदिर के पास ही यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी, और सारे मेले के टाइप में, हमारे यहाँ पे मेला बोलते हैं, जो मेले के टाइप में सब चीज़ें बैठती है ना, तो यहाँ पे वैसे ही बैठती है। और कर्नाटका में भी बहुत अच्छे से मनाते हैं शिवरात्रि। हाँ, तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं। वो लोग उधर कुछ खरीद रहे हैं घर के लिए, इधर पूरा मेला लगा है लगता है। और देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है यार। तो ये जो शॉप है वो हमारे उड़ीसा का फेमस है, और यहाँ पे सारे उड़िया का जो स्वीट डिश है ना वो मिलता है। और हम लोग भी बहुत सारे स्वीट्स लेके आए हैं, और यहाँ पे खाने के लिए आलू बड़ा वगैरह मिलता है, तो वो भी हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं तो वो उनके लिए लेके आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, एंड आप ज़रूर आइए यहाँ पे कभी। यहाँ पे पास में ही शिव टेम्पल था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम वहाँ पे भी गए दर्शन के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छा सजाया था यार, बहुत सुंदर लग रहा था। और अंदर भी मतलब वीडियो अलाउ था, तो चलो मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा था और पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम कुछ देर रुक के आए हैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू। तो इधर एक शिव मंदिर है, और इधर हमारा छप्पन भोग है, और ये सारा प्रसाद है। प्रसाद दिखाओ, प्रसाद है, और लक्ष्मण पूरा पकड़ा हुआ है सब कुछ। चलो चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं, अभी हम चल रहे हैं, चलते हैं, चलो। तो होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो होने वाला है। पूरा अच्छे से मस्त सजा रहे हैं पूरा, पूरा मेले की तरह लगाया हुआ है। ये लोग पूरा भाग रहे हैं देखो, और यहाँ पे पूरा मेला जैसे पूरा लगाया, शिवरात्रि है ना इसलिए पूरा मेला लगाया हुआ है ना। चलो 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 चलो, यहाँ पे हमारा पूजा हुआ है, मतलब हो रहा है, यहाँ पे दिया जल रहा है और वो सब है। तो ये रात भर हमें ऐसे ही दिए को जो ना बुझे और उसमें घी डालते रहे, तो रात भर हमें जगना पड़ेगा। और गांव में क्या होता है ना कि पूरा मंडली पूरा एक साथ बैठते हैं,
और मंदिर के सामने बैठते हैं, यहाँ पे घर पे नहीं मंदिर के सामने बैठते हैं, और भगवान के लिए ये दिया जलाते हैं। रात भर जगना पड़ता है दिए को लेके, और दिए में घी डालते रहते हैं, जगते रहते हैं, पूरा गप्पे लड़ाते हैं, बहुत मजा मस्ती होती है। गांव में जब थी मैं, तो मैं भी जागर, मतलब हम जागर बोलते हैं, तो जागर जलती थी। तो यहाँ पे मंदिर तो जाके आए, लेकिन मंदिर में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है शायद, मुझे पता नहीं है, तो घर पे ही जलाती हूँ। और ये जल रहा है ऐसे ही, रात भर मतलब जगना पड़ेगा, हस्बैंड मुझे कंपनी देंगे, कंपनी दे रहे हैं, अभी से बैठे हैं, फ्रेश नहीं हुए। फ्रेश हो नहीं हो गए क्या? आपसे बातें करते हैं, और यहाँ पे दिया जल रही है, और भगवान जी की पूजा हो रही है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी आपको, तो चलो देखते हैं, और सुबह तक जगना पड़ेगा, तो देखते हैं। जब हमारे वहाँ पे क्या होता है कि स्वर्गदीप उठता है, उसके बाद ही सब दिया जो है वो अर्पण करते हैं भगवान जी को, और यहाँ पे चावल वगैरह रहता है, चावल वगैरह वो ब्राह्मण जी को देते हैं भुजियों में। तो बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, मैं किसी को नहीं दे सकती, इसलिए सिर्फ जो भगवान जी की होती है, जो हम लोग घट बोलते हैं, घट डाल दिया है और दिया जला दिया है, बस इतना ही। तो चलो देखते हैं कितने रात तक जगते हैं, चलो। सो गाइस, अभी रात के 12:30 बजने वाले हैं, और मुझे मतलब आंखें मेरी देख सकते हो पूरा फूल चुकी है, और इधर जल है, और सुबह तक बैठना पड़ेगा, मीन्स आई थिंक 4:30-5 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो मैं बैठी हूँ इधर, और हस्बैंड सो गए हैं, और चलो आज की वीडियो बस यहीं तक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए टाटा एंड बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।